और हाँ गाइस, 2023 के पहले ही वीक में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आने वाला है। तो गाइस 2022 बहुत ही अच्छा था, चैनल पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। 2023 आने वाला है कल से, तो हम लोग एक अभी जैसा कि ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो जो ये अभी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, जितना भी 2022 का सारा रिकैप बना है हम लोग, जितना भी मेहनत किए हैं सारा कुछ ज्वाइन करके एक वीडियो अभी चलने वाला है, तो देखिए आप लोग इंजॉय कीजिए और 2023 में ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, बहुत ही आगे ग्रो करना है। तो अभी हम लोग का माइलस्टोन अचीव हो रहा है धीरे धीरे। हम लोग का सबसे वायरल वीडियो रहा है इस साल नर्सिंग चाय वाली का, उसके बाद सिटी सेंटर मॉल का, दोनों 6.8K के आसपास है इस वक्त। और बहुत सारे वायरल वीडियो भी है, 1K के ऊपर है, 2K भी है, 3K भी है, बाकी सब मतलब अच्छा रिस्पांस आ रहा है। 2023 में और सपोर्ट बनाए रखें, बहुत ही आगे जाना है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, बहुत अलग अलग कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बार। एंड हाँ गाइस, बता दें मिनी व्लॉग भी आने वाला है इंस्टाग्राम पे, अब हम इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है, रील्स अच्छा अच्छा आने लगा है एंड मिनी व्लॉग्स भी डाले हैं, उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है, आप लोग चेक कर सकते हैं, जिंदगी व्लॉग्स फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे नाम आ रहा होगा। 2022 में मैंने बहुत कुछ गलतियाँ भी की है, बहुत कुछ सीखा भी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या गलती हुआ है। जो गलतियाँ मैं नोटिस नहीं कर पाया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं 2023 में उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। 2022 में आप लोग का बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट रहा है और आशा करते हैं कि 2023 में आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा। और 2023 बस दस्तक देने ही वाला है, दरवाजे पर है, तो आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे हम लोग के व्लॉग्स इन्जॉय करते रहिए, अगले साल और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। जितना भी इस साल मैंने सीखा और गलती हुआ है सबको इम्प्रूव करके 2023 में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर ले। तो इस साल 2022 में हम लोग टोटल 44,000 व्यू कंप्लीट कर चुके हैं और 500 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आप लोग का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। मैं जब भी वीडियोस बनाने जाता था तो बहुत सारे लोगों से मिलता था, मिलके बहुत ही अच्छा लगा और आशा करते हैं कि आप लोग से भी मिलेंगे 2023 में और भी बहुत सारे लोग से मिलेंगे 2023 में। ये 2022 का लास्ट वीडियो है, तो चलिए मिलते हैं अगले साल में 2023 में। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, गुड बाय। मानसून का सीजन शुरू हो चुका है, तो अब यहाँ पे रेगुलर बारिश होते रहेगा। तो थोड़ा अभी बारिश हो रहा है, वहाँ पे अभी कैफे में सबको रोका हुआ है और अभी यहाँ पे आइए, आप लोग कुछ व्यू दिखाते हैं। पन्नी का जगह यहीं पे है, चलिए अभी हम लोग पूरा पानी में, हमको बहुत ज्यादा एडवेंचर से प्यार है और इस मौसम का इतना ही बहुत बढ़िया लगा। इनकी चाय में एक अलग सा टेस्ट है। बहुत सारा मैंने टीवी शोज किया, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, कुमकुम बाग, पवित्र बंधन, शाम दाम दंड पे, बहुत सारे शो जल में लग रहा है। फिल्मी चाय में काम किया था, आप बताएं क्या पूरे पटना में कहीं और देखने को नहीं। आदि योगी जो कि तमिलनाडु, जो भी कोयम्बतूर तमिलनाडु, बिल्कुल हमारी संस्था में सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप भी काम होता है। तो हम लोगों ने पंडाल के सीन को मोर थीम में बना दी पाए। तो आज हम लोग आ चुके हैं चूड़ी मार्केट, चूड़ी मार्केट में जैसा कि देख सकते हैं हम लोगों ने देख सकते हैं और इसका और कंप्लीट लेके आ चुके हैं। वाला कर रहे हैं के नाम पर स्टार्टअप चला है, तो फिर अपना सफर में घर से बाहर निकलना पड़ा। दिन कहते नहीं है, हम करके दिखाते, बढ़िया से अच्छा ये जिंदगी में डिस्कशन लिख के और अपलोड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बिल्कुल आप सपोर्ट करिए। क्या था और कैसा रहा सफर इतना दूर का और फिर से यहाँ तक कैसे आपने घुमा गया? कि स्टूडेंट्स प्ले ही खोली थी, ₹150 ऊपर कुछ नहीं। ये मूवी कैसा है, जैसा कि पूरा इंडिया भर में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत ही ज्यादा हिट कर रहा है ये मूवी, तो आइए पब्लिक रिएक्शन लेते हैं कि पब्लिक को कैसा लगा ये मूवी। चलिए लोगों से पता है कि 20 या 21 तारीख को ये बर्गर किंग खुल जाएगा और यहाँ के ऑनर अभी नहीं आए हैं। देख लीजिए, मैंने जैसा आप लोग को बताया था कि कैसे की गई, अगर आप बर्गर किंग के फैन हैं या फिर बर्गर के शौकीन हैं तो आपको इस नाम के बारे में तो पंडाल वगैरह बनाया गया। फिर आपने ट्रेन में सफर करते करते दिखाएंगे कि
मीठा पुलाव हो गया वो खाते हैं, बट ये ना मतलब 9 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। हाँ, इसका जो प्रभाव,